दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। जैसे आप लोगों ने देखा अभी यहाँ भूख हड़ताल चल रही है और नारे भी चल नारे लग रहे हैं भूख हड़ताल पर। और अभी कुछ लोग शब्बीरपुर गांव से, कुछ लोग अभी एसडीएम से मिलने गए थे, रामपुर मनिहारन तहसील में शब्बीरपुर गांव पड़ता है सहारनपुर ज़िले में, और इन लोगों से बात करेंगे। अभी एसडीएम के पास गए थे, क्या बातें हुई थी, क्या एसडीएम का क्या अभी रवैया है इनकी मांगों के प्रति, रासू का हटाने की जो सबसे बड़ी मांग है उसके प्रति क्या रवैया है जी। आप लोग अभी वहाँ पर गए थे, आप लोग अभी गए थे वहाँ, क्या बातचीत हुई आपकी एसडीएम से? एसडीएम ने बोला है कि रासू का लगाने हमारे हाथ में नहीं होता। एसडीएम साहब बोले हमारे हाथ में होता है गुंडा एक्ट, गुंडा एक्ट हमारे हाथ में होता है लगाना। ये रासू का अभी कन्फर्म नहीं हुई है, शिव कुमार भाई की, चंद्रशेखर की और ना ही उन्होंने कहा है कि इसकी कार्रवाई अभी अपील की अभी यहाँ के प्रशासन ने और आगे दी है, ये भी कंफर्म नहीं हुई अभी तक, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उनसे कहा मगर सर जैसे इन तीन राजपूतों पे लगी थी रासू का, ऐसे ही ये भी कंफर्म धीरे धीरे हो जाएगी। हमें इसकी इसका विरोध करना है और विरोध कर रहे हैं। हमने भूख हड़ताल कर दिया आज से, चाहे हम हमारा दम निकल जाए, चाहे हम हमारी जान चली जाए, तब तक हम जब तक रासू का नहीं हटेगी तब तक हम भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे। ऐसे ही लगातार हम भूख हड़ताल करेंगे जब तक पुलिस प्रशासन रासू का पर उन लोगों का क्या कहना था भूख हड़ताल जो आपने अपनी वहाँ पर ज्ञापन दिया है? हमें यही कह रहे थे एसडीएम साहब, भाई कोई भी कार्य करोगे आप संविधान के दायरे में रह के करियो, मतलब ऐसा कुछ दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। मगर ठीक है सर, हम जो है संविधान के दायरे में ही रहकर भूख हड़ताल करेंगे। और कुछ आपको जोड़ना है इस सरकार का अभी तक आपको क्या लग रहा है, क्या रहा भाई? सरकार ने जो शासन प्रशासन है उसने अभी तक जो वो करा है सिर्फ दलितों पे किया, क्योंकि दूसरे पक्ष के जो राजपूत समाज के लोग हैं उन पे कुछ भी नहीं किया। क्योंकि 5 तारीख में हमारे गांव में जो घटना हुई थी वो उन्होंने की थी, जबकि हमने तो अपना बचाव किया। अगर हमारा में उत्पीड़न कर रहे तो हम अपना बचाव भी तो कर सकते हैं ना उसमें, तो हमने ही अपना बचाव किया और उसमें ही हम पे रासू का लगा दी गई। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्बीरपुर गांव में अभी पुलिस भी आ गई है इस भूख हड़ताल के दौरान। पुलिस क्यों आई है, क्या कारण है पुलिस के आने का हमें नहीं पता। हो सकता है कि बस ये देखने के लिए कि कोई इस तरह की घटना ना हो जाए जिससे फिर से टेंशन हो जाए। लेकिन अभी हमारे यहाँ शब्बीरपुर गांव में जहाँ आप देख रहे हैं भूख हड़ताल आई है, अभी अभी पुलिस भी आई है, शायद प्रशासन के द्वारा भेजी गई। खैर भूख हड़ताल जारी है अभी भी, और जैसे आपने सुना ये लोग एसडीएम से भी मिलने गए थे यहाँ पर अपना ज्ञापन देने गए कि ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल पर एसडीएम का कहना है कि इनके हाथ में रासूका की जहाँ तक मांग है तो वो उनके हाथ में नहीं है, इसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब तक अब शासन प्रशासन इनकी मांगों को नहीं सुनेंगे तब तक यहाँ पर भूख हड़ताल इनकी चलती रहेगी, यही इनकी ये इन्होंने आज कई बार कहा है, कई लोगों ने कहा है। आप लोग जुड़े रहिए चलचित्र अभियान के साथ, हम फिर से आपको लाइव दिखाएंगे, लाइव यहाँ से आते रहेंगे, फेसबुक लाइव करते रहेंगे शब्बीरपुर गांव की इस भूख हड़ताल से। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी यहाँ अचानक थोड़ी देर पहले अभी बस आपसे बात करते हुए इस लाइव के दौरान ही यहाँ पुलिस आई है। उम्मीद करते हैं कि फिर से पुलिस यहाँ पर पुलिस के आने से यहाँ टेंशन्स ना बढ़ जाएं, और शायद उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होने के को रोकने के लिए यहाँ पर आई है, ना कि इनके इस संवैधानिक तरीके से जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं उसको रोकने के लिए नहीं आए हैं। जुड़े रहे हैं आप लोग।